नमस्कार, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इजी कैश पॉइंट का सीएसपी आईडी को मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे यूज करते हैं। मोबाइल फोन में चलाना ये सीएसपी काफी आसान है। सबसे अच्छी बात है इजी कैश पॉइंट का, जो कि आप सभी बैंकों का ट्रांजैक्शन ग्राहक को दे सकते हैं। बहुत ही कम खर्च में सीएसपी खोल के, कम खर्च में, कम इन्वेस्टमेंट में ये सीएसपी आप खोल सकते हैं, और ये सीएसपी आप मोबाइल फोन पे भी चला सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में भी चला सकते हैं। तो ये सीएसपी कैसे मोबाइल फोन में चलता है, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस को देखेंगे। मोबाइल फोन में चलाने के लिए आपको इजी कैश पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इजी कैश पॉइंट आप प्ले स्टोर से सर्च करके इसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन होता है। जब आप सीएसपी आईडी लेते हैं नया, तो आपको आईडी पासवर्ड हमारे यहाँ से मिलता है, तो वो आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने से पहले मैं आपको बायोमेट्रिक डिवाइस दिखा देता हूँ, बायोमेट्रिक डिवाइस कैसा होता है। तो मैं कैमरा ऑन करके, ये हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस। इसे आप चाहे तो कंप्यूटर लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल फोन में भी बड़ी आसानी से चला सकते हैं। तो मोबाइल में भी चलाना संभव है, कंप्यूटर लैपटॉप में भी चलाना संभव है। आपके पास मोर्फो, मंत्रा, जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस हो, इसे यूज कर सकते हैं। ये सीएसपी चलाने के लिए आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस का जरूरत पड़ेगा, और आपके पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए या कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि कंप्यूटर लैपटॉप में ही काम करना है, मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ फोन के साथ। फोन के साथ कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करने के बाद देख पा रहे हैं हमारा डिवाइस यूज के लिए रेडी है। तो मैं एप्लीकेशन हमारा इजी कैश पॉइंट में आईडी पासवर्ड डाल दिया हूँ। आईडी पासवर्ड हमारा यहाँ से आपको मिलेगा जब आप फर्स्ट टाइम आईडी लेते हैं। तो अभी मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, और अभी मैं एक लाइव आपको ट्रांजेक्शन करके भी दिखाता हूँ। काफ़ी आसान है यूज करना, मोबाइल से भी आप ये सीएसपी चला सकते हैं। कम खर्च में सीएसपी खोल के आप सभी बैंकों का ट्रांजेक्शन दे सकते हैं, और ये सीएसपी की सबसे बड़ी खासियत है कि आप सभी बैंकों का काम कर पाते हैं बहुत ही कम खर्च में सीएसपी लेके, और दूसरी बात मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी चला सकते हैं। तो मैं अभी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही आपको एक ट्रांजेक्शन करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे AEPS के ऊपर क्लिक करेंगे। AEPS पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, आधार पे। तो यहाँ पे मैं अभी एक विड्रॉ करके दिखाता हूँ। 100 रुपया का मिनिमम अमाउंट को यहाँ पे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। AEPS 2 पे सेलेक्ट यहाँ पे रहने देना है, और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट पे ऊपर क्लिक करने के बाद जिस भी कस्टमर का आप विड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पे आप निकासी करना चाहते हैं, उसका आधार नंबर एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर देता हूँ कस्टमर का। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे आप। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे सारे बैंक अवेलेबल है, जो भी बैंक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सारे बैंक अवेलेबल है, जो भी बैंक आप विड्रॉ करना चाहते हैं। मैं अभी फिलहाल सेंट्रल बैंक से करना चाहता हूं, इसलिए सेंट्रल बैंक को सेलेक्ट किया और कैप्चर वाले निशान में क्लिक किया। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद आपको अपना फिंगर देना है। देखिए हमारा फिंगर ले चुका है, और फिंगर कितना परसेंट ले रहा है वो भी आपको बता देगा। साथ ही साथ आपके कस्टमर का कितना परसेंट फिंगर आपका रीड कर रहा है फिंगरप्रिंट डिवाइस, वो भी आपको बता देगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं 84% हमारा फिंगर ले रहा है। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही तो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो जाता है, और आप यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस भी देख पाते हैं, और कितना जो भी अमाउंट का आपने ट्रांजेक्शन किया वो आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपया का विड्रॉ हमारा हो चुका है। अगर मैं देखना चाहूँ कि कस्टमर के अकाउंट में बचा हुआ बैलेंस कितना है, अवेलेबल बैलेंस, तो वो इसी ट्रांजेक्शन में हम देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं व्यू ट्रांजेक्शन डिटेल का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कस्टमर के अकाउंट में कितना बचा हुआ बैलेंस है वो भी बता रहा है। यानी कि एक बार आपने विड्रॉ किया तो दोबारा आपको बैलेंस चेक करके उसका अकाउंट का बैलेंस जानने का जरूरत नहीं है। एक ही बार आपको कस्टमर के अकाउंट में कितना बचा हुआ बैलेंस है वो भी आपको दिख जाता है। तो देख पा रहे हैं 1400 रुपया अकाउंट में बच गया, और 100 रुपया का ट्रांजेक्शन हमारा हो चुका है। तो 100 रुपया का अभी विड्रॉ करके भी मैंने दिखाया। काफ़ी आसान है यूज करना, आप बहुत ही आसानी से चला सकते हैं मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर, बैंक सेलेक्ट करना है, जिस भी बैंक का आप विड्रॉ करना चाहेंगे, इलाहाबाद बैंक, सभी बैंक अवेलेबल है। उसके बाद कैप्चर में क्लिक करके फिंगर देना है। तो बहुत ही आसान है चलाना। फर्स्ट टाइम जब आप आईडी लेते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं रिटेलर को कि कैसे यूज करेंगे, कैसा प्रोसेस है, ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा। तो वैसा कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, काफ़ी आसानी से आप ये सीएसपी चला सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कैसे सीएसपी को यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।